नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमना सामना मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज मराठ मालोनी में। मराठ मालोनी वो इलाका है जो कि बहुत बड़ा सलम इलाका है, और इस सलम इलाके में जहां मराठ मालोनी बहुत सारी बातों को लेकर बदनाम है, वहीं पर ऐसी शख्सियात मौजूद है जिसकी मिसाल बॉम्बे शहर में नहीं मिल सकती और ना हम दे सकते हैं। बॉम्बे में बहुत सारे अच्छे लोग हैं काम करने वाले एनजीओस के ज़रिए, लेकिन वो एनजीओस जो खिदमत खल्क का जज्बा लेकर और वाकई कौम मिल्लत और मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने आप को जिन्होंने बिल्कुल ये समझिए कि कौम के लिए वक्फ कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं कि जिन्होंने नाम व नमूद से हटकर और ऐसा काम कर रही हैं वो मोहतरमा, जो सालों से लगातार इस सलम इलाके में गरीबों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर से मैं बात करूँगा तालीम को लेकर, क्योंकि तालीमी मैदान में ऐसी बहुत कम तंजीमें जो इस तरह से इतना अच्छा काम कर रही हैं। हम ये देखते आए हैं और देखते रहे हैं कि बम्बई शहर में या और जगहों पर बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं, बहुत सारे एन जी ओज काम करते हैं जिसमें अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन जो ऐसे लोग भी हैं जो कौड़ी का काम करते हैं लेकिन बताते हैं लाखों का काम, और पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, सियासत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो मोहतरमा का मैं नाम लेने से पहले ये बता दूँ कि वो पेशे से मौलिमा है और उम्मीद फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। ये उम्मीद फाउंडेशन ने जो उम्मीद जगाई है गरीबों में, उन बच्चों में जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माली हालत जिनकी बहुत ख़राब है, माशी हालत बहुत जिनकी ख़राब है, जो फीस नहीं भर सकते हैं, कॉपी किताबें तकसीम करना ये अलग चीज़ है, बहुत सारी तंजीमें करती हैं, लेकिन उन बच्चों को फीस अदा करना, उन बच्चों की पूरी साल भर की, ये बहुत कम तंजीमें काम कर रही हैं। आइए उस शख्सियत से मिलाते हैं, उन मोहतरमा से मिलाते हैं जो उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। मोहतरमा सलमा मोमिन साहबा, आपका आमना सामने में इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने ये उम्मीद फाउंडेशन की आप सदर हैं माशाल्लाह, और पिछले जैसे कि हम जानते हैं कि 7 वर्षों से ज़्यादा आप काम कर रही हैं या उससे और पहले से, तो किस तरह के काम उम्मीद फाउंडेशन करती है और क्या खिदमत अंजाम दे रही है? उम्मीद फाउंडेशन की शुरुआत जो है 2014-15 में हमने की थी, दो बच्चों से एजुकेशन सपोर्ट करते हुए। उस वक्त मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था भवंस कॉलेज से, और उसके बाद ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी सारे एनजीओस के साथ काम किया है, लेकिन अक्सर एनजीओ जो काम करता है, जो जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो दो बच्चों के लिए हमने पढ़ाई का जो एजुकेशन फ़ीस है वो खुद स्पॉन्सर किया था। तो हमने देखा कि वो बच्चा जब 35-40 ला रहा था, उसी साल उस बच्चे ने 65-70 स्कोर किया था, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट था, और लगा कि इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शायद हम सारे बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते, लेकिन अगर हमारे साथ लोग जुड़ेंगे तो हम ये कार्य और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों से इतना सपोर्ट मिला कि उसी साल में हम 2 बच्चे से 27 बच्चों पर पहुँच पाए, और आने वाले साल पे 107 बच्चे तक। तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमें इतना नंबर बढ़ाना है, लेकिन जब हमें लोग सामने से सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमें कह रहे हैं कि हम चेक स्कूल के नाम पे देने के लिए तैयार हैं, तो हमें लगा फिर वो बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए और बच्चों को हमें जोड़ते जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 2014-15 से लेके 2019 तक के हमने 450 बच्चों की फ़ीस भर पाए हैं, और इस साल ही जो 75 स्टूडेंट्स थे जो 10th स्टैंडर्ड में अपीयर हुए थे, उसमें से 69 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एजुकेशन के हिस्से के साथ साथ हम ऑर्फन गर्ल्स जो है उनकी शादियों में भी सपोर्ट करते हैं। जब हम शादी की बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि अगर आपको हज़ारों लोगों को खाना खिलाना है तो सॉरी, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वही करना है तो हमारा सपोर्ट करके कोई मतलब नहीं आता है। अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो वो सही जगह पर जाना चाहिए। तो उनसे पहला क्वेश्चन यही होता है, और उसके बाद जब वो कहते हैं कि नहीं, जो आप करोगे वो सही है, तो जो बेसिक यूटेंसिल्स होती है, एक हर लड़की का सपना होता है कि मैं अपने घर कुछ अपना ले जाऊँ,
तो बेसिक यूटेंसिल्स होती है, कबाड़ पलंग जो होता है, और कुछ जो कपड़े होते हैं कि हम नए कपड़े अपने साथ ले जाएं, तो वो फर्ज हम अदा करते हैं, वो उनको हम गिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ हम 50 लोगों का खाना स्पॉन्सर करवाते हैं कि कम से कम लड़के वाले अगर हमारे घर आते हैं तो उनको वो मान सम्मान मिले। वो भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो हमारी एक सेंटर चलती है जहाँ पर हमने टेरेस बनाया है, तो हम आपको वो टेरेस दे देंगे, आप वहाँ पर बिठाइए, आराम से खिलाइए। और निकाह करने के लिए तो मस्जिद सबसे बड़ी चीज़ है, और सही रास्ता एक्चुअली अगर निकाह करने का जो है वो मस्जिद ही है। अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए वो चीज़ दी है तो हमें वहीं पर करना चाहिए, ना कि ये शोर शराबा करके। जिसे अल्लाह ने दिया है बेशक वो बड़े बड़े हॉल्स में कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान अगर वाकई अपना सपना पूरा करना चाहता है तो वो इस कदर भी कर सकता है जी। और इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, महीने भर का राशन घर में देना, उनकी पूरी मदद करना। तो कितनों को दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनों को भी हम दे रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, ये हमारा मकसद है। वाह, एक सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आपने कहा कि लोग मदद कर रहे हैं, डोनर्स जो है डोनेशन देते भी है, यकीनन इस ज़मीन पर अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि अगर आप अच्छे काम करें तो यकीन लोग आगे आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ईमानदारी और जारदारी से काम कर रही हैं, आप किसी से पैसे नहीं मांग रही हैं, आप डायरी कहती हैं कि भाई आप चाहिए और उस स्कूल में आप फीस भर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पेशा बना लिया है, लोगों का एतमाद भी कहीं ना कहीं जो ख़त्म हो गया है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग मदद करने वाले लोग हैं, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो सिर्फ चंदे इस काम के नाम पर चंदा खोरी का काम करते हैं या चंदा जमा करते हैं, लोग हक मारते हैं, तो उनके लिए आप मिसालें हम ये समझते हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये एक सवाल जो मेरे जहन में आया, जब आपने निकाह की बात की और जहेज की बात की और लड़कियों की शादी की बात की, तो एक सवाल मेरे जहन में है तलाक को लेकर, लेकिन मैं उसको बाद में करूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि कल जो प्रोग्राम हुआ उस ताल्लुक़ से आप बताएंगे। कल 6 जुलाई को हमारा एक प्रोग्राम हुआ जहां हम बच्चों को एजुकेशनल फ़ीस सपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हम उनको पूरे साल की जो सामग्री जो होती है, जो स्टेशनरीज होती है, जो उनको आने वाले साल में यूज़ होए, ताकि अगर बच्चा ये ना कहे कि मुझे फ़ीस तो मिल गया था लेकिन किताबें ही नहीं मिली, मैं पढ़ूंगा कैसे, तो ये शिकायत ना करे। इसीलिए हम उनको वो सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि बुक्स हो, पेन, पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन्स, स्कूल बैग, टिफ़िन बॉटल, हर वो ज़रूरी चीज़ जो जिससे बच्चा प्रॉपरली रेगुलरली स्कूल जाए बिना शिकायत करे। तो ये प्रोग्राम हुआ था आइडियल पार्क हॉल, गेट नंबर 6 मालवेनी पे, और इसे सपोर्ट किया था वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जो टाउन साइड है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे लीड करते हैं एहसान गड़ावाला जी। इन्होंने ये प्रोग्राम यूथ विंग के अंदर डाली है, क्योंकि मैं खुद भी एक यूथ हूँ। जैसे आपने मुझे कहा कि इतने कम उम्र में आप ये जो काम कर रही हो, तो यही रिस्पॉन्स उनके साथ था कि हमारी यूथ विंग को हमें अलर्ट करना है, अच्छे से आगे बढ़ाना है। तो ये प्रोग्राम हम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग के अंदर करेंगे, और इसके चेयरमैन थे मोइन अगाड़ी जी, जो खुद कल यहाँ पर मौजूद थे अपनी पूरी टीम के साथ। साथ ही कुछ सीनियर लोगों ने भी इसे लीड किया था, जैसे कि रजिया चश्मा वाला जी और नसीम सुरती जी, नसीमा सुरती जी, ये जो है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर के तहत आगे काम करते हैं। इन लोगों ने भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और करीबन कल हमने 250 बच्चों लोगों को जो है पूरा किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। कई बच्चे वहाँ पर अपने जो 4-5 साल से वहाँ पर हमसे ये चीज़ ले रहे हैं, तो उन्होंने सामने से आके कहा कि दीदी हमें अपने बारे में कुछ बताना है। तो प्रोग्राम जब बच्चों का था तो हमें लगा कि बच्चों को तो बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों की तरह हम ये नहीं करते हैं कि आप आओ रट्टा मारो और हमें थैंक यू स्पीच बोल के जाओ। तो इसीलिए हमने कभी बच्चों को सामने से नहीं कहा कि आप हमारे लिए ये आकर बोलो। तो कल हमें ये देखते हुए बहुत अच्छा लगा जब बच्चे आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उनके टीचर्स जो मौजूद थे, कुछ टीचर्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम जब उनको देते, कई बच्चे जिनकी माताएं नहीं हैं या पिता नहीं हैं, और बच्चों ने बताया कि हम सुबह से काम करते हैं, फिर स्कूल अटेंड करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और जब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं ना, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें दीदी ने फीस दी है, हमें मेहनत करनी है, अब हम बेझिझक होकर रेगुलरली स्कूल जा सकते हैं, और जो हम थोड़ा पैसा कमा रहे हो सकता है उसमें हम अपने छोटे भाई बहनों की जो विशेष है वो फुलफिल करें। बच्चों में एतमाद बढ़ रहा है, बिल्कुल, और उनकी पढ़ाई में भी असर पड़ रहा है। पढ़ाई में भी उनका ये है कि जो बच्चे
45-50 ला रहे थे वो उनका 10-15% स्कोर हो रहा है, क्योंकि हम पूरा फीस उन्हें एक साथ नहीं देते हैं, हम उन्हें 6 महीने के गैप में देते हैं, पहला 6 महीने का देते हैं और फिर सेमेस्टर के बाद अगले 6 महीने का देते हैं, ताकि उनमें वो वैल्यूज़ बनी रहे, उनको ये समझ आए कि हमें यहाँ से रेगुलरली अगर हेल्प लेना है तो अपना प्रोग्रेस करते रहना। कुछ वॉलंटियर मेंटर्स है जो रेगुलरली उनको अपडेट करते रहते हैं, उनकी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि पैसा देना बहुत आसान होता है लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाना है तो उनको गाइडेंस देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम चीज़ें और पैसे दे के कर रहे हैं। तो बच्चों में तभी वो इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और ये बच्चा जब हमारे पास एनरोल करता है, वो अप्रैल मई के ड्यूरेशन में आके फॉर्म भरते हैं और फिर ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती है और ये हमारा उनको प्रॉमिस होता है कि आप जब तक 10th स्टैंडर्ड कम्प्लीट नहीं करोगे तब तक के हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर उस दौरान आप में एम्पावरमेंट हो के आपके घर में वक्त हालात अच्छे हो गए तो तभी हम आपको लिस्ट से बाहर निकाल के किसी और को मौका दिया जाएगा उसमें। तो कई पेरेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने खुद से कहा कि अब हम कमा पा रहे हैं क्योंकि हमने उनको एम्पावर किया, उनको बेसिक इंग्लिश सिखा के, उनको कुछ काम दिलाकर जिससे वो पैसे कमा पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब ये खर्चा हम खुद उठा सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हम किस तरीके से ये पैसा मेहनत करके इधर उधर से लेकर आके उनको दिया जाता है। बड़ा मुश्किल काम होता है ये फंड हासिल करना है या लोगों को बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप बाई प्रोफेशन कुछ और काम करते हो और आप पर घर की जिम्मेदारी भी उस तरीके की होती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप पहले अपना जॉब पूरा करो, जॉब करने के बाद इसमें भी समय दो और एक लड़की होते हुए अपने घर को भी समय दो। आप स्कूल में टीचर है, माशाल्लाह मौलिमा है, स्कूल में पढ़ाना, फिर आके घर की जिम्मेदारी देखना, फिर उम्मीद फाउंडेशन को संभालना और उसको लीड करना और ये सारा इतना बड़ा प्रोग्राम करना आसान तो है नहीं। बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम अगर मैं कुछ कर पाती हूँ तो मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली जो है मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है, तभी मैं कर पाती हूँ। मेरी फैमिली में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरी माँ का है। मैं कहूँगी आज सलमा अगर यहाँ पर है आपसे बात कर रही है तो वो सारा क्रेडिट जो है अपनी माँ को दूंगी, क्योंकि और लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगी कि माँ है तो सब कुछ है, माँ है तो जीवन है। पिता ने भी उतना ही किया, उन्होंने हमेशा हमें प्रैक्टिकल बनाया है लाइफ में, बचपन से ही वो कहते आते थे कि बेटा कुछ करो या ना करो बस प्रैक्टिकल रहो, ये नहीं कि आप एक कार्य कर रहे हो तो दूसरा नहीं करोगे, उसको कोई बहाना मत दो। सरबा जी, ये जो आप जिम्मेदारी निभा रही हैं, आज इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, ये ख्याल असल में आया कैसे आपको? ये ख्याल खुद की ज़िंदगी से आया है, क्योंकि मैंने अपने अब्बा को बहुत कम एज में खोया है, 2010 में उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हमने बहुत बुरे समय भी निकाले हैं, तो पढ़ाई ही एक ऐसा आसरा दिखा कि अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो ही शायद जी पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर काम नहीं कुछ नहीं तो बस वही है कि आप लोगों से पैसा मांगते रहो। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर सब कुछ दिया है तो आप मांगने के अलावा काम भी कर सकते हो, मेहनत करके कमा सकते हो। और इसे सपोर्ट किया मेरी अम्मी ने, अगर वो चाहती तो ये सोचती कि अब्बा का इंतकाल हो गया, इसकी शादी करा दूँ और अपना फ़र्ज़ अदा कर दूँ, लेकिन उन्होंने ये ना सोचते हुए उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम पढ़ लिखो, आगे बढ़ो, जो चीज़ आज हम फेस कर रहे हैं वो तुम फेस ना करना, अल्लाह ना करे शादी के बाद आज जो दुनिया में बना हुआ है कि लोग 2-3 साल में डाइवर्स हो जाता है या फिर शायद हस्बैंड का इंतकाल हो जाए, तो कम से कम ये तो ना रहे कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में एक हुनर होना चाहिए। हुनर रहेगा तो इंसान कहीं कोई भी समय अगर बुरा समय आता है तो वो कमा सकता है, काम कर सकता है और अपना जीवन जो है वो अच्छे से बिता सकता है। ना माशाल्लाह आपकी वालदा ने बहुत दूरअंदेशी का मुजाहरा किया और वो और आपको जो तरबियत दिए आज उसके असरात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो आपकी शादी करा देती आप किसी और घर में होती है। बहुत सी लड़कियों के साथ में हम देखते हैं कि शादी के बाद खुदा न खास्ता अल्लाह अगर उनकी तलाक हो जाए या शौहर गुजर जाए और उसके बाद अगर कोई हुनर नहीं है तो कुछ कर नहीं पाती होगी। अगर उसके हुनर है, अपने पैरों पर खड़ी है, तालीम है, तो यकीनन वो अपने आप को संभाल सकती है, अपने घर को संभाल सकती है। तो वो आपने लड़कियां जो है वो घर पर ही होती है तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है कि बाहर की दुनिया क्या है, खासकर जब वो स्लम्स में रहने वाले होते हैं तो हमारे जो माँ बाप होते हैं थोड़ा डर कर बच्चों को घर में रखते हैं कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उनको कोई अंदेशा नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है।
दो आजकल हम सोशल मीडिया से जो है बहुत टैलेंटेड हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हो गए, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं होते हैं कि हम अपना घर का खर्चा उठा पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए, अपने घर की जिम्मेदारियां उठा पाए। तो अगर आप पढ़े लिखे हो, बाहर की दुनिया आप देखते हो, तो आपको अच्छी बुरी चीज़ की मालूमियत रहती है, आप समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है, और तभी आप बढ़ पाते हो। सोशल मीडिया से जो निगेटिव असरात हो रहे हैं या लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, ये हम पर है, यानी आपने साबित किया कि हम सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए, अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, सलमा मेमन जी से अभी आगे हम और बात करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन तंजीमों के लिए, उस NGOs के लिए ख़ासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि सलमा मेमन जी मिसाल है, उम्मीद फाउंडेशन मिसाल है, जो NGOs के नाम पर काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नज़र नहीं आता। वो होता कुछ, चार किताबें बांट कर वो अपने आप की नुमाइश करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं, बाद में उसके बाद में सोशल मीडिया पे इस तरह से डालते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि काम करने की जो ज़रूरत है वो सलमा मेमन जी की तरह है। और मैं समझता हूँ उम्मीद फाउंडेशन जिस तरह काम कर रही है, आपको उस तरह काम करने की ज़रूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हुए सलमा मेमन जी से और भी सवाल करेंगे। सलमा जी, एक चीज़ आपने जो बताई कि जहेज को लेकर ख़ास तौर से और लड़कियों के साथ में जो मामलात होते हैं शादी के बाद में, और तलाक का जो मामला है, सरकार ने 3 तलाक को बैन किया है कि अगर वो 3 तलाक अगर किसी ने दी, किसी शौहर मर्द ने दी, तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है या शरीयत के हक में है, इस पर क्या आपकी सोच, में जानना चाह रहा हूँ। शरीयत के ख़िलाफ़ या हक, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ, जो लड़कियों की भी गलती होती है, सिर्फ ऐसे नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कों की गलती होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ लड़के की गलती है और बेचारी लड़की वो चीज़ सह रही है। तो ये जो तलाक का ऑप्शन है, लेकिन कई लोगों ने इसे मिसयूज़ करने की भी कोशिश की है, स्पेशली लड़की। आज मैं खुद भी एक लड़की हूँ, लेकिन कहने से पीछे नहीं हटूँगी, जो बात गलत है वो गलत है। हम जो है ना, हमें लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे अगर मैं अपने भाई के लिए सोचूंगी तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरी भाभी जो है वो बहुत अच्छी हो, हमारे घर की जिम्मेदारियां संभाल ले, हम सब कर ले। लेकिन जब मैं किसी और के घर जाऊंगी ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मुझे अकेले रहना है, मुझे ऐसे करना है। तो मैं पहले तो लड़कियों को ये कहूँगी कि अपनी सोच बदलो, अपने एक्सपेक्टेशंस बदलो। जो हम अपने घर में एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम जब किसी के घर जा रहे हैं तो वो भी हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई होते हैं, और उनकी भी उतनी ही उम्मीदें होती है अपने बच्चों से जितनी आपकी होती है। अगर आपको तकलीफ है, बेशक आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो सकता तब आप ये कदम उठाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम घुसते ही ये करने की कोशिश करते हैं, हमें काम नहीं करना है, हमें अपनी दुनिया जीना है, हमें बाहर जाके जीना, मेरा शौहर और मैं, मेरे शौहर और मैं हम सिर्फ मैं पना में ही वो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इस बीच बेचारा जो अच्छा लड़का होता है या उनकी फैमिली अच्छी होती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वहाँ लड़का जो है वो बीच में पिस भी जाता है, माँ बाप और बीवी के बीच। और अल्लाह, मतलब ऐसा होता है ना कि कई घरों में पहले साल में ही बच्चा हो जाता है, फिर वो बच्चा वो चीज़ सहन करता है कि मैं माँ के पास रहूँ कि बाप के पास रहूँ, फिर हम उस बच्चे को लेकर लड़ते रहते हैं। और क्योंकि वो घर का पहला बच्चा होता है, तो ना लड़का छोड़ने के लिए तैयार करता है, ना माँ बाप उसे छोड़ने के लिए करता, और किसी तरह वो सहन कर लेते हैं। और कई घरों में ये भी होता है कि लड़की शायद बहुत अच्छी हो, लेकिन परिवार वाले शायद उतने अच्छे नहीं मिले हो। लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें लाइफ में एडजस्ट करना होता है कि हम हमेशा जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो अगर आप वो एडजस्टमेंट करके चलो और उन्हें अपना समझ के चलो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तलाक वाली बात है। ऐसा भी होता है कि लड़की अच्छी है, वहाँ पर सास ससुर या शौहर अगर ना भी है तो उसकी सास कुछ सख्त होती है, बिल्कुल, और कई ईगो का मामला होता है। तो ये सास जो है अपनी बेटी के लिए अलग सोचती है और बहू के लिए अलग सोचती है, ऐसा क्यों? ये अब तो वो सास ही बता सकती है। कई होती है जो लेकर चलती है कि मेरी बेटी को तो सारी छूट हो उसके ससुराल में, बराबर, लेकिन मेरी जो बहू जो है उस पे सारी पाबंदी है। ये होता है ना कि हम दुनिया के बोलने पर आ जाते हैं कि बहू को ना जरा अपने इसमें रखने का, ज्यादा छूट नहीं देने का, उनको वो सारी चीजें देंगे तो तुम अपने सर पे बिठा कर रखोगी, तो ऐसे करेगी वैसे करेगी। और कई बार अक्सर उनकी बात गलत नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि आने वाली बहू उस चीज को ग्रांटेड ले
यही जैसे कि आप तालीम याफ्ता है हम माशाल्लाह कभी ना कभी इंशाल्लाह आगे आप साथ भी बनेगी है ठीक है आप तो लेकिन आप तो पास पड़ोस के लोगों पे जो है उनकी बातों पे नहीं जाएंगे ना क्योंकि आप तालीम याफ्ता है आप पढ़ी लिखी है तो ये तो बहकाना नहीं बहकाना तो हमारे ऊपर है कि हम कितना लोगों की सुनते हैं है। लेकिन तालीम याफ्ता खानदानों में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुओं को है ना इस तरह से समझा जाता है कि भाई ये तो हमारे घर की नौकरानी है। सही बात है, नहीं कहीं गलतियाँ उनकी भी होती है, ये हमारी बेटी को छीन लेगी ये। सही बात है, उनको डर होता है ना कि मेरे बच्चे को छीन कर ये चले ना जाए, ये ऐसे ना करे वैसे ना करे। ये डर तो आपकी बेटी के जो ससुराल है होना चाहिए, हो सकता है ना। मैं वही कह रही हूँ ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, सिर्फ लड़की और लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम इंसानों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है, जब बात खुद पे आती है तो हम हमेशा सोचते हैं ऐसा रहना चाहिए, लेकिन जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बदल जाती है। कि जैसे आपने अभी कहा कि मेरी बेटी हो तो वो एकदम खुशहाल हो, लेकिन वही किसी की बहू हो तो हम उसे ये रेस्ट्रिक्शंस में डालकर रखते हैं। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस चॉइस जो मेरी बेटी हफ्ते में महीने में जो है ना हमारे घर आना चाहिए, आती रहे लेकिन मेरी बहू ने घर नहीं जाना चाहिए, ये भी सोच। तो ये एक्सपेक्टेशंस, ये सोच हमें बदलना चाहिए, तो ये तलाक वाली जो चीज है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर दुनिया इतनी अच्छी हो जाए तो शायद ये दुनिया बहुत अलग होती है। हाँ, अगर हमारा माशरा सुधर जाए तो फिर हुकूमत चाहे जो भी कानून लेकर आए, हमें कोई कहते हैं ना रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं होती है लाइफ में, क्योंकि हम जो करते हैं ना उस पे डिपेंडेबल होता है। अगर हम सही हो गए तो शायद रूल्स रेगुलेशंस तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहिए, हम वही एक्सपेक्टेशन दो अलग अलग तरीके से रखना चाह, तो फिर वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके वही बात आती है कि अब ये आपको करना होगा, या तलाक के ये प्रोसीजर्स है, ये रूल्स है, उनको अपनी जान छुड़ानी होती है कि हम इससे छूट जाए करके। नहीं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे रूल रेगुलेशन जो है हमें तो कुरान से मिले है ना, हमारी शरीयत से मिले। सास का हक, बहू का हक, शौहर का हक, बेटे का हक, माँ बाप का हक, ये तो हमें सब मिला, अपने शरीयत से मिला, कुरान से मिला है। तो हमें ऐसे वक्त में जहाँ सरकार जो है महिलाओं के नाम पर, मुस्लिम ख्वातिन के नाम पर इस तरह के सख्त कानून ला रही है, उस पर एक जुमले में जवाब। अगर शरीयत के हिसाब से हम जाएंगे तो जो कानून जो ला रही है वो गलत है, क्योंकि हमारे लिए जो माय लॉर्ड है और जो शरीयत है, जो ऑर्डर है, वो कुरान शरीफ ही है। तो कुरान शरीफ में जो दिया गया है, हमें नहीं लगता है कि उसे क्रॉस करते हुए कोई और रूल्स बनना चाहिए या कोई और फॉलो करना चाहिए। जो है वो सब कुछ है, तो उसे ही मानते हुए अगर गवर्नमेंट भी अगर वही रूल्स रेगुलेशंस रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये अजीब सी बात है ना कि किसी लड़की ने शिकायत की कि मैं मेरे शौहर ने मुझे तीन तलाक, चाहे झूठ बोला उसने, तो सीधा तीन साल के लिए कैद उसको। सही बात, तो जब वो तीन साल के लिए जेल चला जाएगा तो उस लड़की को या तलाकशुदा जो उसका जो हक बनता है शरीफ के सबसे, वो कैसे अदा करेगा, ये बात भी तो आती है। सही बात है, दुनिया जो है वो कुरान शरीफ जो है हम उसे फॉलो करते ही आज ये दुनिया इतनी बड़ी है। अगर आप पुराने जमाने में देखने जाए तो इतनी टेक्नोलॉजी, इतने रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी जो पुराने बुजुर्ग जो है वो करते हैं। तो हम वही फॉलो करते आए जो कुरान शरीफ में दिया है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम जिंदगी में वही खुद और अपने बच्चों को भी वही चीजें सिखाते हैं। तो गवर्नमेंट से भी यही रहेगा कि अगर वो उस चीज़ को क्रॉस ना करते हुए उसे फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, लिखा तो सभी में एक ही है और खुदा एक ही है, तो अगर वो चीज़ को फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी नहीं, माशाल्लाह, मैं आपको और आपकी वालदा को खासतौर से मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जो इतनी ज़्यादा जो आपने अवार्ड लिए माशाल्लाह, ये मैं कैमरामैन शाहीन पटेल से कहूँगा कि वो ज़रा अवार्ड दिखाए नाज़रीन को। ये जितने अवार्ड आपने लिए हैं, हम तो ये देखते हैं कि अवार्ड बिकते हैं। ये सही बात है, मैंने खुद ने देखा है अवार्ड्स बिकते हैं, मैं खुद इस चीज़ का। कितने खरीदे हुए हैं और कितने आपने? इसमें बिल्कुल खरीदे हुए नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, खरीदने के लिए तो बहुत रास्ते थे कि इंटरनेशनली भी जाकर आप 10,000 पे करो, आपको वहां बुलाया जाएगा और दिया जाएगा। और अवार्ड लेना भी कभी मेरा मकसद नहीं था, इनफैक्ट मैं लोगों को बोलती थी कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने पहला अवार्ड रिसीव किया था कॉलेज समय में, तो ये था कि आपको कहते हैं ना एक प्रेरणा के रूप में दूसरे दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैंने ये जो काम किया वो सही काम किया है। और खासकर एक लड़की होते हुए करना, दूसरों को ये प्रेरणा देना बहुत जरूरी होता है। नहीं, यकीनन अवार्ड से हौसला बढ़ता है,
और जो अवार्ड तकसीम करते हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो लोग हौसला बढ़ाते हैं लोगों का। लेकिन जो जो मैंने बात कही पहले चलता रहता है ये, लेकिन माशाल्लाह आपके अवार्ड जो है आपके काम से दिए गए हैं आपको, आपकी हिम्मत वो तो नज़र आ रहा है क्योंकि आपका काम भी नज़र आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा झूठ होगा कि आपने ख़रीदे हैं। मैं अपने अल्फाज पहले तो वापस लेता हूँ क्योंकि मैंने मजाकन बात कही थी, ये और लोगों के लिए थी बातें, और आपने इतने अवार्ड माशाल्लाह हासिल किए। मैं इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आमना सामना मीडिया आपका शुक्रिया अदा करता है। इस इंटरव्यू की ज़रूरत आपको नहीं थी, इस इंटरव्यू की ज़रूरत आमना सामना मीडिया को थी, और आमना सामना मीडिया अपने नाज़रीन को, कारीन को, या जो जो देखने वाले लोग हैं उनको ये दिखाना चाह रहा है कि भाई किस तरह आपको काम करना है सोशल लेवल पर, तालीमी मैदान में। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आमना सामना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो इसलिए कि अगर मेरे कार्य को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इस देश भर में पहुँचा रहे हैं, कार्य से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगेगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर उस एक इंसान ने भी उसे रेप्लिकेट किया, भले उसने अपने NGO के नाम पर किया हो या किसी भी तरीके से किया हो, तो अगर ये एक सोसाइटी के लिए अगर एक जन भी खड़ा हो गया तो मुझे लगता है ये चेन बनते जाएगी और ये कारवा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अकेले शायद सलमा हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए मैं आमना सामना का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें कवर किया, आपने हमारे से इतनी सारी अच्छी बातें की जो लोगों तक पहुँचाई जाएगी, और लोगों से भी यही संदेश रहेगा कि अपने फैमिली, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी रेस्पेक्ट करो, और अगर वो कुछ कहते हैं तो वो गलत नहीं होता है, आपके अच्छे के लिए कहते हैं, और जीवन में पेरेंट्स है तो सब कुछ है, फैमिली है तो सब कुछ है। तो सबसे पहला स्टेप उन्हें दो, हर चीज़ का श्रेय। इनफैक्ट आपने जब अवार्ड्स की बातें की तो मैं कहूँगी कि मेरा हर एक अचीवमेंट जो है वो मेरी माँ को मैं ओव करती हूँ, क्योंकि वो है तो सब कुछ है मेरी माँ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आमना सामना मीडिया में ये थी सलमा मेमन साहिबा। हमने इनकी पूरी जो इनकी सामाजिक काम है ये आपको दिखा है। अगर आपको लगता है ये कि सलमा मेमन जी की तरह और भी NGOs काम करें, या हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, कौम की जो बेटियां हैं, वो इस तरह काम करें, तो हमारी आपसे ये अपील है कि इस मैसेज को, इस पैगाम को जितना हो सके आप आगे बढ़ाएँ। ये आज मिल्लत की ज़रूरत है, इस मुल्क की ज़रूरत है। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को देखा। आमना सामना मीडिया के सभी नाज़रीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम, अल्लाह हाफिज़।